Hare Krishna, Srimad Bhagavad Geeta, Chapter 7, Verse Number 26. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोहेष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साधुजातं सहगणरघुनाथमिदं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं शेषचैतन्यदेवम्। श्रीराधा केशवादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी, प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्रीयद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मास्टर की सह चैप्टर 7, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, श्लोक नंबर 26, अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, वेदाहं समकीतानि वर्तमानानि सार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन।
darshana vedaham samadhi tani vartamanani chajuna bhavishyani chabhutani mantu vedana kashchana. Shatat vedaham ahamana me vedamana janta hun. Bhagavan kese me janta hun. Kya samatitani samana sab kuch अतीतानी मतलब जो पास्ट में हो चुका है, जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। और वर्तमानानी मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको भी वेदा हम सबके साथ आएगा, ठीक है? किसके साथ आएगा? वेदा हम यानी मैं जानता हूँ, सम अतीतानी यानी पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसको जानता हूँ, वर्तमानानी यानी जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको जानता हूँ, चार अर्जुना इसके अलावा ए अर्जुन भविष्यानि, भविष्यानि मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है, भविष्य में जो होने वाला है उसको भी जानता हूँ, भूतानि, भूतानि मतलब सारे जितने भी जीव हैं उनको भी मैं जानता हूँ, माम, माम मतलब मुझको, वेदा मतलब मैं जानता हूँ और माम मतलब मुझको, तू, तू यानी लेकिन, वेद, वेद मतलब जानता है, न कोई भी नहीं, कश्चन। क्या भगवान बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको जानता हूँ, जो वर्तमान में हो गया है, प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में अतीत में हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होने वाला है, उस सबको मैं जानता हूँ, माम तो वेद न कश्चन, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। अनुवाद, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी कहते हैं, तो उन्हें भी जीव आत्मा की भांति शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे निराकारवादी कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो माया है, तो अगर भगवान का शरीर भी माया होता, कृष्ण का स्वरूप यदि इटरनल नहीं है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, सनातन नहीं है, तो फिर जिस तरह से बाकी जितने जीव होते हैं, एक जैसे जब उनका शरीर त्यागते हैं और दूसरे शरीर में आते हैं, तो याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में वो मच्छर थे या क्या थे, या कॉकरोच थे, या कोई बंदर थे, या गधा थे, कुछ याद नहीं रहता। तो फिर भगवान को भी याद नहीं रहता अगर भगवान का शरीर भी इस तरह से भौतिक होता तो। लेकिन भगवान यहाँ साथ साथ कह रहे हैं, वेदाहम, मैं जानता हूँ, क्या समतीतानि, जो वर्तमान में हो चुका है वो जानता, सॉरी जो अतीत में हो चुका है यानी पास्ट में हो चुका है वो जानता हूँ, वर्तमान जो प्रेजेंट में हो रहा है वो जानता हूँ, भविष्यानि जो भविष्य में होने वाला उसको भी जानता हूँ। इसका मतलब है कि भगवान साकार हैं, भगवान स्वरूप में, अपने स्वरूप में खड़े होकर बोलते अहम। कितना सुंदर शब्द भगवान यहाँ पर यूज करते हैं, वेद अहम, मैं जानता हूँ, यानी कि जो भगवान का साकार स्वरूप है वो कोई माया के द्वारा आवृत नहीं है, वो माया से पूरी तरह से मुक्त है, तभी तो उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में सब कुछ पता है। यदि माया से आवृत, माया से ढका हुआ होता, माया के कंट्रोल में होता, तो फिर यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो उन्हें भी जीव आत्मा की भांति शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता, सब कुछ भूल जाते,
भगवान को महामाया कभी भी कंट्रोल, जैसे हमने कल पढ़ा था, महामाया जो है वो जीवों पर आक्रमण कर सकती है। इसीलिए भगवान ने कहा था 7.14 में, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया, इसको पार करना बहुत कठिन है, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, मैं माया से बहुत ऊपर हूँ, इसलिए तुम्हें क्या करना है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आना है, और अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो माया में तम तरंत से आराम से आसानी से माया को पार कर जाओगे। तो यदि भगवान माया से मुक्त नहीं होते तो भगवान ऐसा नहीं कह सकते थे कि मेरी शरण में आकर तुम माया से मुक्त हो जाओ। यानी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान बलि साकार रूप में भी होते हैं तो भी माया का रूप नहीं होता है, वो भगवान का इटर्नल सच्चित आनंद विग्रह होता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख सकता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे कि जिनकी भौतिक देह होती है उनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती हैं कि वो जो पास्ट में हो चुका है उसको याद करें। अभी देखो, कोई अगर ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं तो आपके एक जीवन के विषय में बता सकते हैं, भाई पिछले जीवन में आपके साथ ये हुआ था जिसके कारण ये आपको मतलब ये रिजल्ट मिला, एक जीवन दो जीवन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ एक दो जीवन ही हुए हैं। जीव नित्य है, सनातन है, अविनाशी, जब से मतलब ये भौतिक प्रकृति है तब से जीव है, जीव इटर्नल है, कब से है ये जीव का कोई, इसे हमने पढ़ा था एक शायद 16 में पढ़ा था कि जीवों को है ना स्टार्ट से नहीं समझ सकता कोई भी, कि जीव तो बहुत 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 समय हो गया उनका, कब से आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, फिर प्रलय होता है, फिर कारण दक्षा विष्णु में समा जाते हैं, फिर वापस स्टार्ट होता है वापस, तो जब देहधारी की जो है ना स्टार्ट को नहीं मालूम कर सकते, इसलिए हमेशा शास्त्र कहता है कि कैसे गिरे तुम भौतिक जगत में ये सोचने का प्रयास मत करो, बल्कि ये सोचो कि इस भौतिक जगत से निकलना कैसे है, इस भौतिक जगत से पार कैसे हो सकते हैं। तो भगवान बताते हैं, माने वश ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति से, मेरी शरण में आकर ही तुम इस भौतिक माया को पार कर सकते हो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं देहधारी जो है वो कोई भी नहीं जान सकता कि आपके पिछले इतने सारे जन्मों में क्या हुआ था और आगे आपके कितने जन्म होंगे उनमें क्या होगा, प्रेजेंट में आप जो आपके पास जो उपलब्धि है उसके विषय में भी किसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये सब के विषय में नहीं बता सकते। अतः वह यही नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कर्म से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई ये सब जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, माया से माया को पार करना पड़ेगा, भौतिक कलमश से दूर होना पड़ेगा, फिर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे श्री प्रभुपाद जी एक दफा बताते हैं कि आप कैसे समुद्र में गिरे, समुद्र में आप जब गिर रहे हो तो आप क्या करो कि किसी तरह से निकलने का सोचो, और जब आप बाहर निकलोगे तो आप बाहर निकल के सब कुछ जान जाओगे कि क्यों कि मैं यहाँ से आ रहा था, यहाँ से फिसलन थी या फिर यहाँ से दलदल थी या कुछ था, मेरा पांव स्लिप हो गया था और मैं इस तरह से बाहर गिर गया, तो सब पता चल जाएगा ना। उसी तरह जब हम माया से बाहर जाएंगे तो फिर हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था और क्यों हम इस माया में गिरे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। क्योंकि भगवान सामान्य मनुष्य नहीं है, इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता लेकिन मैं भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में सब कुछ जानता हूँ। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है,
भगवान ने कहा था चौथे अध्याय में कि इमं विवस्वति योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्षवा कवि रवि के। भगवान ने कहा था कि मैंने इस अमर योग विद्या को का उपदेश पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह से ये परंपरा चली आई। तो भगवान ने ये बताया था कि बहुत बहुत करोड़ों साल पहले मैंने सूर्य देव को दिया, यानी भगवान ने वहीं पर ये बात बता दी थी कि मुझे पूरा का पूरा इतिहास पता है, जो वर्तमान में बीत चुका है वो सब कुछ पता है और भविष्य और प्रेजेंट का मुझे सब कुछ पता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अब परमात्मा का क्या काम होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे 13.23 में भगवान बताते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। कि इस शरीर में एक अन्य भोक्ता है जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। क्या कर रहा है? उपदिष्टा, वो देखता है, साक्षी है और अनुमंता से अनुमति देने देता है। भर्ता भोक्ता, वो ईश्वर है और परम स्वामी है, महेश्वर है, और उसको क्या कहते हैं? आगे कहते हैं परमात्मेति चाप्युक्तम, उसका नाम है परमात्मा। देहेस्मिन् पुरुषः परः, और वो इसी देह में एक परम पुरुष रहता है। तो यानी कि उसका काम क्या था? उपदृष्टा और अनुमंता, वो साक्षी है, देखता है जो कुछ भी जीव आत्मा कार्य करती है शरीर के अंदर रहकर, उन सारों कार्यों को वो देखता है और अनुमति देता है, उसको अप्रूव करता है, हाँ ठीक है आप ये काम कर सकते हो। तो क्योंकि उसने हर योनि में जीव आत्मा को देखा है कि वो क्या कर रहा है क्या, तो उसको याद भी है। परमात्मा की बुद्धि ऐसी हमारी तरह विस्मरणीय नहीं होती है कि भूल जाए, परमात्मा को सब कुछ याद होता है। क्योंकि कृष्ण ही परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी उसी बात को बता रहे हैं कि कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित होने पर भी जो परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, क्षमा, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होने तथा भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। कौन? अल्पज्ञानी, जिनकी बुद्धि थोड़ी होती है, बेवकूफ होते हैं, वो नहीं जान पाते भले कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए, भले परमात्मा स्वरूप में हो, भले वो सारे कारणों के कारण हो, वो भले कह रहे हैं खड़े होकर यहाँ युद्ध क्षेत्र में कि मैं ही परम पुरुष भगवान हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो, निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। अभी यहाँ पर वो भले ही निर्विशेष को ब्रह्म को समझ जाते हैं कि ये जो ब्रह्म है वो भगवान है, उसके विषय में जानते हैं कि भाई यही सब कुछ है, इसी तक पहुंचना जीवन का गोल है, लेकिन वो भगवान को नहीं जानते। और अगर वो भगवान को नहीं जानते तो भले ही वो निर्विशेष को जान जाए, लेकिन फिर भी वो अल्पज्ञानी ही रहते हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर मिसाल देंगे, यहाँ पर उदाहरण देंगे कि निस्संदेह श्री कृष्ण का शरीर अनश्वर है। श्री कृष्ण का शरीर कोई माया नहीं है, श्री कृष्ण के शरीर में और उनकी आत्मा में कोई ऐसा अंतर नहीं है। जैसे हमारी आत्मा अलग होती है ना, छोटी सी बाला अग्रेशत भागस्य, छोटी सी बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर हमारी आत्मा होती है, लेकिन भगवान की आत्मा इतनी छोटी नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान का भी शरीर हमारी तरह ये भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है और भगवान की भी छोटी छोटी अंदर हृदय में आत्मा बैठी है, ऐसा नहीं। भगवान पूरे के पूरे परमात्मा है, नख से शिख तक भगवान दिव्य है, तो वो अनश्वर है। उनका जो दिव्य शरीर है ना, वो भी अनश्वर है। वो अपनी इच्छा से दूसरा शरीर धारण करते हैं,
लेकिन वास्तव में जो भगवान का शरीर जो भी दूसरा भी धारण करेंगे, चाहे वो नरसिंह धारण करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण धारण करेंगे, चाहे श्री राम का धारण करेंगे, या चाहे कोई भी श्री कृष्ण का धारण करेंगे, लेकिन वो भी भगवान ने जो धारण किया है ना अपना शरीर, वो भी दिव्य है, वो भी अनश्वर है, कभी खत्म नहीं होता है। अब वो हमें क्यों नहीं समझ में आता है, उसको श्री प्रभुपाद उदाहरण से बता रहे हैं कि वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों का अल्पकाल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। उसी प्रकार परमेश्वर माया से माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया। अब ये बात समझ रहे, जैसे आसमान पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सितारे होते हैं और हमें वो दिखते हैं आराम से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाता है जिसके कारण हमें सूर्य नहीं दिखता या चंद्रमा नहीं दिखता। अब सूर्य और चंद्रमा जो है वो उस बादल के टुकड़े से बहुत 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 विशाल है, बहुत बड़े हैं वो, लेकिन फिर भी बादल के एक छोटे से टुकड़े के कारण हमें दिखाई नहीं देते। उसका कारण ये नहीं है कि सूर्य छुप गया है, उसका कारण ये है कि बादल जो है वो मेरे और सूर्य के सेंटर में आ गया है, यानी कि मेरी आंखें जो है वो सूर्य से छुप गई। जैसे अगर अभी मैं आपके सामने खड़ी हो जाऊं तो मेरा साकार तो बड़ा है, और अगर आप अपनी आंखों पर ऐसे हाथ रख दो तो आपका हाथ तो मेरे से छोटा होगा ना, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी आंखों पे हाथ रखा हुआ है तो आप क्या करोगे, आंखें भले खुली भी होंगी लेकिन मैं आपको दिखूंगी नहीं। इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हाथ से छुपी हुई हूँ, बल्कि क्या मतलब होगा इसका कि आपकी आंखों के आगे जो है वो हाथ का पर्दा लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, समझ रहे हैं। उसी तरह से बादल जो है वो सूर्य को नहीं छुपाते, बल्कि हमारी आंखों के आगे जो है वो पर्दा डाल देते हैं। उसी प्रकार माया जो है, अब ये भौतिक जगत जो है वो माया है, अब माया जो है वो भगवान को छुपा नहीं सकती, भगवान बहुत विशाल है, लेकिन हम क्योंकि माया से आवृत हो जाते हैं। अब ये योग माया की बात, योग माया की बात नहीं हो रही, महामाया की। हमने कल पढ़ा था ना, जिसमें भगवान ने बताया था कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैंने आपको कल दो माया के विषय में बताया था, एक महामाया है और एक योग माया है। जो महामाया से आवृत होता है वो भगवान के दूर चला जाता है, और योग माया से जो आवृत होता है वो भगवान के बहुत बहुत निकट आ जाता है। क्योंकि भगवान जो है, अब भगवान के दो पहलू मैंने बताए थे, गॉड्स ग्रेटनेस एंड गॉड्स स्वीटनेस। तो महामाया क्या करती है, भगवान की महिमा को और भगवान के माधुर्य को सब कुछ छुपा देती है, और जीव को क्या, जीव क्या सोचता है कि कृष्ण ही अकेला आनंद क्यों करे, मुझे भी आनंद करना है, मैं आनंद का भोग करना चाहता हूँ। फिर वो कृष्ण से द्वेष करने लगता है और कहता है, अकेले तुम भोगता क्यों बनो, तुम अकेले भगवान क्यों हो, तुम अकेले ईश्वर क्यों हो, मैं भी ईश्वर बनना चाहता हूँ, मैं भी भोक्ता बनना चाहता हूँ, ईश्वरोहम अहम भोगी बलवान सुखी, हर वस्तु का भोग खाली तुम क्यों करो, मैं भी भोक्ता बनूं। तो इस तरह से महामाया जो है वो जीव का सब कुछ ढक देती है, यानी कि भगवान का ऐश्वर्य भी ढक देती है, भगवान की महिमा को भी ढक देती है, भगवान की स्वीटनेस को, ग्रेटनेस को, सब कुछ को ढक देती है। लेकिन योग माया क्या करती है, खाली भगवान की महिमा की स्मृति करा देती है, ताकि भगवान की जो स्वीटनेस है, भगवान का जो माधुर्य है, वो अपने भक्तों के साथ उसका आदान प्रदान कर सके। क्योंकि यदि भगवान को याद रहेगा अपनी महिमा, और भक्तों को याद रहेगी भगवान की महिमा, तो वो उसका आस्वादन नहीं कर सकेंगे ना,
इसलिए तो यहाँ पर कृष्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो महामाया की बात कर रहे हैं कि क्योंकि जीव के नेत्रों पर महामाया का पर्दा चढ़ा रहता है इसलिए वो भगवान को नहीं देख सकते हैं। और आगे जो भगवान श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना वो योग माया की बात बता रहे हैं कि वे अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं है जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में बताया। अब तीसरे श्लोक में क्या बताया भगवान ने बताया कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम् वेति सत्सतः। यानी हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से वे ना कोई एक है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। उसी बात को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने के लिए प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक ही भगवान श्री कृष्ण को समझ पाते हैं। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु सुवाचालं पंगु लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। अत्यंत सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने में और जीव आत्मा में डिफरेंस को बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भगवान उनकी जो स्टेज है वो कितनी ऊपर है और जीव आत्मा जो है वो उनके स्तर तक कभी नहीं आ सकता, इवन उनके स्तर को समझ भी नहीं सकता। भगवान कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। मुझे कोई नहीं जान सकता और मैं सब कुछ जानता हूँ। यार हमने श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 2 में श्लोक नंबर 10 में पढ़ा था जब अर्जुन बहुत बहुत दुखी हो गया था और उसने अपना गांडीव धनुष रख दिया और श्लोक नंबर 2.8 में अर्जुन ने भगवान से कहा नहीं प्रपश्यामि मम आपनोद्या यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्न मृत्थम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। भगवान को अर्जुन ने कहा मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिख रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकता। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। हे गोविंद मैं अपने इस दुख को दूर करने का कोई तरीका नहीं देख रहा हूँ। जब अर्जुन इतना दुखी होकर भगवान को बोल रहा था तो अर्जुन उस समय क्या करते थे याद है? अर्जुन तो दुखी थे, रो रहे थे, उसकी चमड़ी जल रही थी, उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे वो संजय बताते हैं श्लोक नंबर 10 में। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विशीदन्तम् इदं वचन। यानी कि भगवान क्या कर रहे थे प्रहसन्निव प्रहसन मतलब बहुत ही मुस्कुरा रहे थे, आनंद में थे। भगवान को कोई शोक नहीं था, कोई भगवान को कुछ भी नहीं हो रहा था, दुख नहीं हो रहा था। लेकिन अर्जुन क्या थे विशीदंतम। विशीदंतम का मतलब होता है शोक मग्न, जिसको बहुत 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 दुख हो रहा था। अब यहाँ पर ही भगवान का और अर्जुन का डिफरेंस पता चल जाता है कि इतने सारे दुख। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक साइड पर भगवान की नारायणी सेना थी और दूसरी साइड से भगवान की बुआ के पुत्र भी थे। उसी प्रकार सारे बहुत सारे संबंधी जो थे वो कृष्ण के भी थे, लेकिन फिर भी उनको देखकर कृष्ण को तो दुख नहीं हो रहा था। कृष्ण की संगी नहीं सुख रही थी, कृष्ण के रोमांच नहीं हो रहा था, कृष्ण के नेत्रों से आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि कृष्ण के लिए क्या लिखा हुआ है ऋषिकेश प्रहसन्निव।
ऋषिकेश बहुत बहुत प्रसन्न थे और अर्जुन क्या थे, विषीदंतम, अर्जुन बहुत दुखी थे। तो इसका कारण बता रहे हैं भगवान, आज श्री कृष्ण भगवान हमें बता रहे हैं कि क्यों मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि ऐसा होने वाला है। अब पीछे जो हो चुका है उसके कारण ऐसा हुआ है और अभी जो हो रहा है उसके कारण ऐसा होगा। ये सारी जो है वो मेरे द्वारा ही प्लानिंग की हुई है कि ऐसा होना। मतलब जैसे एक राइटर होता है ना, वो एक बुक लिखता है, उसमें वो एक कादंबरी लिखता है, एक स्टोरी लिखता है, एक प्रेम कहानी होता है, होती है या कुछ भी होता है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर्स जो है वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो क्योंकि लिख रहा होता है तो उसको पता होता है कि अब ये होगा, अब ये होगा। अब जब उसने लिख ली तब उसको सारी स्टोरी पता चल गई। अब कोई उसके पास है ना वो नहीं है, रोमांच नहीं है, कि कुछ सरप्राइज नहीं है कि अब क्या होगा। लेकिन जो नया व्यक्ति पढ़ रहा होता है उसको तो पता ही नहीं है कि अब क्या होने वाला है। उसको तो पता ही नहीं है क्योंकि उसने तो इससे पहले कभी भी ये स्टोरी पढ़ी नहीं है, तो उसको कुछ पता नहीं उसके बारे में। लेकिन जब वो कादंबरी पढ़ लेता है और उस समय वो उसको अलग अलग ख्याल आ रहा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है उसको ऐसा लगता है कि ये जो है वो किसी ने लिखी है। अब जिसने ये लिखी है, जिसने ये स्टोरी बनाई है, उसको तो वो ये स्टोरी पढ़ के नहीं समझ सकता ना। स्टोरी पढ़ के आपको सिर्फ स्टोरी पता चलेगी, लेकिन जिसने ये स्टोरी बनाई है उसको आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो एक अलग व्यक्ति है। उसने ये स्टोरी बनाई है या कोई फिल्म बनाई है उसको आप नहीं समझ सकते। उसी तरह भगवान ने ये पूरी माया रची है, तो इस माया में रहकर आप भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि माम तू वेदना कष्टना, कि मैं तो सबको जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब माया से आवृत हैं, माया से ढके हुए हैं। मेरी माया ने सबकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है, लेकिन क्योंकि मैं माया से बहुत बड़े हूँ तो मैंने क्योंकि ये सब रचा है तो मुझे तो ये सब के बारे में पता है, लेकिन मैं क्योंकि रचयिता हूँ तो मैं माया से ऊपर हूँ। अब इस माया ने इन सब की आंखों पे पर्दा डाल दिया है, वो मुझे नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर पर्दा नहीं आ सकता है, इसलिए मैं इन सबको जान सकता हूँ। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण लिया। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले ही कोई ब्रह्म की अनुभूति कर ले, अंतर्यामी परमात्मा को जान ले, किंतु कृष्ण भावना भावित हुए बिना भगवान श्री कृष्ण को समझ पाना समझा नहीं जा सकता। जैसे कि इस श्लोक 7.3 में भगवान ने कहा था कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः, हजारों में से कोई एक सिद्धि का प्रयास करता है। इसको हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा राजा हो। अब बहुत बड़ा राजा होता है ना तो उसकी बहुत सारी रानियां भी होती हैं और बहुत सारे पुत्र भी होते हैं। अब उसके बहुत सारे पुत्र जो होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते। बहुत सारे तो पालन करते हैं क्योंकि वो उनके पास बुद्धि होती है, वो जानते हैं कि अगर हम इस राज्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें राजा के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और वो प्रेम भी करते हैं अपने पिता से, इसलिए उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन कुछ तो उनके पुत्र होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम जो आज्ञाओं का पालन करें, हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, हम राजा के अंडर में रहकर कार्य नहीं करना चाहते। फिर वो क्या करते हैं, उस राज्य से बाहर निकल जाते हैं। और राजा भी बोलता है ठीक है, अगर आप मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते तो फिर राज्य में नहीं रहते, तो वो निकल जाते हैं। अब जो अंदर रहते हैं राज्य के वो तो उनको जानते हैं, यानी अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति में जो रहते हैं भगवान की, वो सब भगवान को जानते हैं, भगवान को समझते हैं और भगवान को सरेंडर करते हैं। लेकिन अब जो बहिरंग शक्ति में आ गए वो नहीं समझते। लेकिन क्योंकि अगर वो राजा जो है वो बहुत बहुत करुणामय होता, उसके अंदर बहुत बहुत प्रेम होता, स्नेह होता है, तो वो क्या सोचता है कि क्योंकि मेरा पुत्र बाहर जाकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया है, मेरे जो पुत्र मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो पुत्र वापस से घर आ जाए।
वो चाहते हैं कि वापिस से घर आए तो वो क्या करते हैं, अपने मंत्री को भेजते हैं। मंत्री को बोलते हैं कि तुम इसको किस तरह से बताओ कि वापिस से वो यहाँ पर आ जाए, वापिस हमारे घर आ जाए, क्योंकि बाहर तो बहुत बहुत इसको दुख मिलेगा। तो फिर क्या होता है, अभी वो भागी बन गया था, नास्तिक बन गया था, वो किसी तरह से कोई भी भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता था, यानी कि वो राजा के किसी भी आदेश का पालन नहीं करना चाहता था। तो फिर क्या हुआ कि उसको मंत्री ने कहा कि ठीक है देखो तुम है ना दुखी, बाहर आके दुखी नहीं हो, नास्तिक नहीं बनो, तुम वेद के जितने आदेश है उसके अंदर आ जाओ। तो वो उसको वापिस से राजा के पास लेकर आता है, लेकिन वो अगर आता भी है तो भी बोलता है कि नहीं मैं राजा के आदेशों का पालन नहीं करूंगा, मैं राजा की गुलामी नहीं करूंगा। तो फिर राजा बोलता है ठीक है अगर वो मेरी गुलामी नहीं, मेरी बात का पालन नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि बाहर अगर जाएगा तो अपराध करेगा है ना, फिर तो चोरी करेगा और डाका डालेगा, उल्टे सीधे काम करेगा। तुम इसको ऐसा करो कि हमारे यहाँ पर, वो बोलेगा नहीं मैं राजा की गुलामी नहीं कर सकता, मैं अपना कमाऊंगा, मतलब मैं राजा के आदेशों का पालन नहीं करूंगा, अपना कमाऊंगा, खुद से अपना बिजनेस करूंगा, ये करूंगा। तो राजा बोलेगा ठीक है, उसको अगर अपना धन चाहिए तो बाहर जाकर भी तो उसे बिजनेस ही करना ना, तो हमारी इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, हमारे इतने सारे ऑफिसेस हैं, उन्हीं में काम करें, ठीक है ना। तो सारे उनको उन्हीं में लगा दिया, किसी को किसी ऑफिस में लगा दिया, किसी को किसी ऑफिस में लगा दिया, किसी को किसी में। अब क्या हुआ कि बाहर जाता तो नास्तिक बन जाता, लेकिन अंदर आया तो उसको किसी न किसी काम में लगा दिया। जैसे भगवान ने बताया मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, कुछ एक जो होता है वो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है, बाकी तो बहुत सारे नहीं करते, उनमें से कुछ करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बाहर चले गए थे, उनमें से कुछ आते हैं, चलो ठीक है हम मानते हैं हम जाते हैं। तो सारों ने क्या किया, वैदिक आदेशों का उल्लंघन किया, लेकिन कुछ ने क्या किया, वैदिक आदेशों का पालन किया, देवताओं की पूजा शुरू कर दी, कोई किसी देवता के पास या कोई किसी देवता के पास या कोई किसी देवता के पास जाके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे कि हमारी इच्छाएं इस तरह से पूरी होंगी। तो फिर वो क्या कश्चित यतति सिद्ध है, देव यानी वैदिक आदेशों का पालन तो किया, लेकिन सब मतलब उन्होंने कुछ देवताओं के पास गए, कुछ परमात्मा का योग साधन किया, कुछ ना परब्रह्म ज्योति जो निराकार ज्योति ने ध्यान लगाया। तो उनमें से कोई एक ये सोचेगा कि ये देवताओं से जो मुझे मिल रहा है वो भी तो मुझे मतलब मेरे पिताजी जो राजा है उन्हीं के द्वारा ये सारे ऑफिस क्योंकि उन्हीं के हैं, ये सारी फैक्ट्रियां क्योंकि मेरे पिताजी की हैं, तो जो भी मुझे यहाँ पर सैलरी दे रहा है, भले मंत्री दे रहा है, भले जो भी कैशियर है वो मुझे दे रहा है, लेकिन वो मिल तो मुझे मेरे पिता के द्वारा लग रहा है, तो और ये मेरे पिता ने ही इसको भेजा था मुझे लाने के लिए, तो फिर वास्तव में तो मेरा कल्याण मेरे पिता के द्वारा हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी नौकरी छोड़ के अपने पिता के पास चला जाऊँ, है ना। उसी तरह से इतने सारे जीव हैं, उनमें से कोई एक ये सोचता है, जैसे भगवान ने बताया 21 में और 22 में, यो याम याम तनुम भक्त है श्रद्धया से तुम इच्छती तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामे वगे ददामे, हृदय के अंदर श्रद्धा में उत्पन्न करता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने कहा हृदय के अंदर देखा होता हूँ और श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ, कि बाहर नहीं जाओ, श्रद्धा उसी पर्टिकुलर देवता के प्रति श्रद्धा रखो, कमसुम हमारी राज्य के अंदर आ जाओ, वैदिक आदेशों का पालन करो, वैदिक आदेशों के बाहर मत जाओ। तो फिर क्या है, अगर वैदिक आदेशों का पालन करके, जैसे वेद अभी शास्त्र अलग अलग होते हैं, कोई शिव पुराण होता है, देवी पुराण होता है और दूसरे दूसरे पुराण होते हैं, जो भी पुराण होता है उसमें यदि किसी भी देवी देवता के बारे में लिखा होता है तो उसके बारे में ऐसे ही लिखा होता है कि वही परम पुरुष भगवान है, वही है, वही आपको दे सकते हैं, मतलब उसके विषय में बहुत 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 लिखा हुआ है। तो भगवान उन शास्त्रों के द्वारा उसकी श्रद्धा को इतना दृढ़ कर देते हैं, इतना दृढ़ कर लेते हैं कि वो उस देवता से बाहर न जा सके, मतलब ये जो वैदिक शेल्टर है ना उससे बाहर जाकर तो वो अपराध करेगा। तो देवताओं की पूजा करके भी, क्योंकि अब जो देवताओं की पूजा करके आहिस्ता 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 प्रगति करके, क्योंकि वैदिक आदेश में आ गया तो कभी न कभी वो है ना आगे बढ़ेगा, उसको पता चलेगा कि देवता जो है वो है कौन, और इस तरह से धीरे 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 सुकृति होगी ना, जैसे पुण्य करेगा, उपवास रखेगा और है ना देवताओं को बोलेगा,
जो भी देवताओं की पूजा करेगा और वो सब करेगा तो सुकृति बढ़ेगी ना, तो सुकृति लोग फिर क्या करेंगे वो भगवान बताते हैं कि है ना 16 में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृति मोचना, जिसके पुण्य बहुत बढ़ जाते हैं फिर वो क्या करते हैं वो मेरे पास आते हैं, फिर उनको ऐसा ध्यान आता है कि मेरे पास आ जाते हैं। फिर कौन से होते हैं आर्थो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी सगर दर्शन, फिर वो किसी रूप में आते हैं, भले वो है ना भक्त बन के नहीं आते हैं, यानी तो कुछ मांगने के लिए आते हैं, कोई दुख दर्द के लिए, फिर देवताओं से आगे बढ़ते हैं वो और फिर वो मेरे पास आते हैं। फिर ऐसे करते 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 जब भगवान के पास आ गए हैं तो फिर भगवान धीरे 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 उनकी इच्छा समाप्त हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है और वो शुद्ध भक्ति की ओर आ जाते हैं। तो ये धीरे धीरे होने वाला, लेकिन अगर कोई शास्त्र आदेश का पालन करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मानेगा शास्त्रों को और वो अपनी मनमानी करेगा तो फिर उसके लिए भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधिमुत्सृज्यम वर्तते काम कारस न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम गति। क्यों? उसके लिए तो ना कभी सिद्धि प्राप्त होगी ना सुख ना परम गति प्राप्त होगी। शास्त्र आदेशों का पालन करते 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 उससे कुछ ना कुछ समझ आएगा और कभी ना कभी भगवान बताते 19 में कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्म लग जाएंगे भले, लेकिन एक लिस्ट वो मेरे पास आएगा, आएगा मेरे पास एक न एक दिन अगर वो शास्त्रों का आदेश को पालन करते 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 आगे बढ़ेगा। लेकिन वो कैसे है कि जैसे एक व्यक्ति उसके दो बेटे हैं, उनमें से एक थोड़ा बेवकूफ है, वो हमेशा क्या करता है या तो 40% आता है या फिर 35% 40% आता है, ज्यादा उसके मार्क्स नहीं होते कभी भी, और दूसरा बेटा जो है वो 85-90% लाता है। तो एक बार क्या होता है जो 40% आता है ना उसने 60% ले लिया और जो 85% आया है उसने भी 60% ले लिया। फिर वो दोनों आए तो पिताजी को है ना अपना मार्कशीट दिखाया तो जो 40% आता है उसके मार्क्स देखकर पिताजी ने उसको इतना अप्रिशिएट किया, कितना आप भी इस बारी तो तुमने बहुत बहुत अच्छा किया है, वेल डन, आपने कितना अच्छा किया है, आपका रिजल्ट 60% आ गया, देखो आपने बहुत मेहनत की है, वेल डन, आपको जो भी चाहिए होगा मैं आपको गिफ्ट भी लेकर दूंगा। बहुत खुश होते पिताजी। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो 80% वाले की वो मार्कशीट देखते हैं तब उनको पता चलता अरे तुमने भी 60% घरे हो, तुम नालायक हो गए, थप्पड़ मारते उसको कि तुमने क्यों 60% लाया। तो वो बोलेगा कि इसने 60% लाया उसको आप शाबाशी दे रहे हो और मैंने 60% लाया तो मुझे आप बोल रहे हो बेवकूफ हो गए हो, गधे हो गए, ये काम कर रहे हो, इस तरह गलत हो गया तुम्हारे साथ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले 80% लाता था और अब उसने क्या किया 60% है, लेकिन वो पहले 40% आता था इसलिए 60। अब इस तरह से समझ सकते हम कि चूंकि वो पहले जो है वो वैदिक आदेशों का पालन ही नहीं करते थे, नास्तिक बने रहते थे, इसलिए अगर वो वैदिक आदेशों का पालन करके किसी देवता की भी पूजा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधन मीहते लभते ततः कामा मैं वेदी है तानी का। तो फिर भगवान उनको श्रद्धा देते हैं और उनकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, उनको पुरस्कार भी करते हैं ना? और लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई भगवद गीता को पढ़ता है, भगवद गीता को जानता है, कृष्ण को मानता है, फिर भी वो यदि देवताओं के पास जाता है फिर भगवान उनके लिए कहते हैं कामस्तान प्रपद्यंते अन्य देवता तम तमीम आसाय प्रकृत्यान्यता। वो अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी देवता के पास चले जाते हैं, कौन कामस्तस्य हृतज्ञान, जिनका ज्ञान जो है वो कामनाओं के द्वारा हर लिया जाता है, वो चले जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो सारी देवी देवताओं के द्वारा उनको जो भी प्राप्त होता है अंतवत् सुफलम तेषां तद्भवत् चलमेदसाम। बेवकूफ लोग ये भी नहीं समझ पाते कि देवताओं के द्वारा जो भी उन्हें मिलने वाला है वो तो समाप्त हो जाने वाला। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो चाहते हैं कि बस कोई भी और मेरे अलावा आराध्य नहीं है, अकेला आराध्य रहा हूँ। तो भगवान जो है वो बहुत ज्यादा करुणा नहीं है, भगवान बोलते हैं यदि तुम्हारा दिल नहीं करता तो मेरी पूजा नहीं करो, भले देवताओं की पूजा करो, मैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ा देता हूँ, आप भले उनकी पूजा करो।
लेकिन अगर किसी को ये ज्ञान हो जाता है जो पहले से ही भगवान की पूजा जानता है कि भगवान ही कृष्ण है, उसके यानी कि उसके 80% मार्ग हो गए, फिर भी वो जाता है देवताओं के पास, फिर भगवान उनके लिए कहते हैं कि काम तक जाना, कि उनकी तो बुद्धि कामनाओं के द्वारा मारी गई है तभी वो जा रहा है, क्योंकि वो इच्छा पूरी करने के लिए यदि जाता है तो। लेकिन अगर हम देवताओं के पास जाते हैं और हम उनसे यही कहते हैं कि भाई हम भगवान की पूजा करना, कृष्ण को सरेंडर करना चाहते हैं, आप क्योंकि महावैष्णव हो, आप क्योंकि भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हो, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की भक्ति कर सके, तो ये कामनाओं के द्वारा नहीं गए, बल्कि हम क्योंकि उनका आदर कर रहे हैं, देव तो जो एक शुद्ध भक्त होता है वो तो सबका आदर करता है, तो उनके पास ही केवल कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, यानी कि सब कुछ जान ले बने, लेकिन फिर भी कृष्ण भावनामृत के बिना श्री कृष्ण को समझा नहीं जा सकता। भगवान को समझा जाता केवल कृष्ण की भक्ति, क्योंकि भगवान जो है वो हमारी प्रयासों से नहीं समझे जाएंगे। भगवान कैसे समझे जाएंगे? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवि ग्राह्यम इंद्रिय सेवान्मुख ही जिह्वादा स्वयमेव सुकृत्यदा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवि ग्राह्यम इंद्रिय, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का गुण, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण को न भवित ग्राह्यम इंद्रिय, इन कुंठित इंद्रियों द्वारा अपनी इन इस अपवित्र बुद्धि के द्वारा हम भगवान को तत्व से नहीं समझ सकते। फिर क्या करें? सेवान मुखे ही जिह्वा दो, किंतु भक्तों के द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जब क्या सेवा, जब जिह्वा से सेवा करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का बखान करते हैं, और इस तरह से स्वयं ही भगवान जो है वो अपने आप को उस भक्त के सामने प्रकट कर देते हैं, तभी भगवान को जाना जा सकता। जबकि भगवान श्री कृष्ण पहले ही चैप्टर 2 वर्स नंबर 12 में कह चुके हैं, भगवान कहते हैं न त्वेवाहं जातु नासम न त्वमेवेज नाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान ने कहा कि कभी भी ऐसा कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या समस्त राजा नहीं थे, और ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हम नहीं रहेंगे। भगवान ने पहले ही बताया कि मुझे भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में सब कुछ पता है, ये सारे जीव आत्मा किसी न किसी रूप में पहले भी थे, अभी भी हैं, और वीना जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तब भी कहीं न कहीं ये होंगे, कभी भी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। और इसी चीज को भगवान आज बता रहे हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदना कल्पना, मुझे कोई नहीं समझ सकता क्योंकि मैं तो इस माया से परे हूँ। जब तुम लोग पहले सारे जीव थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जब ये शरीर चेंज किया तो उनकी बुद्धि भी चेंज हो गई, है ना, उनकी स्मृति भी चेंज हो गई। माने काल के कारण क्या होता है, जैसे शरीर चेंज हो जाता है उसी तरह स्मृति भी बदल जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 5 में, बहूनि व्यतीतानि जन्मानि च वचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्सत् परं तप। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि पवचार्जुन, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेकानि जन्म हो चुके हैं। भगवान कहते हैं तान्यहं वेद सर्वाणि, मुझे तो वो सारे याद हैं, किंतु न त्वं वेत्सत् परं तप, परंतु हे परं तप तुम उन सबको याद नहीं कर सकते, यानी काल के प्रभाव से तुम्हारा तो शरीर भी बदल गया, स्मृति भी क्षय हो गई, लेकिन मेरी स्मृति नहीं गई। और उसके बाद बताते हैं श्लोक नंबर 6 में, चैप्टर 4 वर्स नंबर 6 में भगवान कहते हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवात्यात्म मायया।
यानी कि इस श्लोक में क्या बताते, पहले भगवान ने बताया कि मेरी स्मृति अभी तक वैसी ही है, मैं भी पहले था लेकिन मुझे याद है, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी समाचार, मेरे और तुम्हारे पहले बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तानी हम वेद सर्वानी, मुझे सारे याद है, न तो वेद परंत तुम्हें याद नहीं है, मेरी स्मृति में खराब हो गई, तुम्हारा शरीर बदलने से तुम्हारी स्मृति जो है वो खत्म हो गई। और अभी इस श्लोक में 4.6 में भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार मेरी स्मृति जो है वो दिव्य है, उसी प्रकार मेरा जो रूप है वो भी दिव्य है, मेरा शरीर भी दिव्य है। मतलब कृष्ण क्या, कृष्ण का शरीर जो है वो भी ऐसे का ऐसा होता है। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सुन, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। अजोपि यानी कि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ, अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सुन, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, तो भी मैं प्रकृति में यानी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं संभवा यात्म मानेगा, ऐसा नहीं है कि ये जो भौतिक प्रकृति है वो मुझे शरीर दे रही है, ऐसा नहीं है, मैं स्वयं शरीर जो है वो मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, मुझे कोई भौतिक प्रकृति का शरीर नहीं लेना, यानी भगवान कहते हैं ना मुझ पर ये जो प्रकृति का कोई मेरी शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है, ना मेरी स्मृति पर प्रभाव पड़ता है, काल का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। जब मैं जन्म लेता हूँ तो मैं अपनी आत्म माया मतलब मैं अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। उसके बाद भगवान बताते हैं कि जब मेरी इच्छा होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानेन भवति भारत, अपनी इच्छा से मैं आता हूँ, कब क्यों आता हूँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम्। जब धर्म अधर्म बहुत ज्यादा जोर हो जाता है, अधर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाता है तो मैं आता हूँ, क्यों, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगे। देवताओं का यानी भक्तों का, साधुओं का उद्धार करने के लिए और विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ अपनी इच्छा से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आ जाता हूँ तो सारे जीवों के नेत्रों पर माया का पर्दा पड़ा होता है, इसलिए वो मुझे नहीं समझ सकते। हाँ, जबकि मैं क्योंकि दिव्य हूँ, मेरा शरीर भी दिव्य है, मेरी स्मृति भी दिव्य है, तो वेदान हम समापितानि, पीछे जो कुछ हो चुका होता है वो भी मुझे याद होता है, वर्तमानानि चार्जुने जो वर्तमान में घट रहा होता है वो भी मुझे पता होता है, और जो भविष्य में होने वाला है वो सब मुझे खबर होती है। माम तु वेदन कश्चित, क्योंकि ये संसार में सब भौतिक माया के आवरण से ढके हुए होते हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं जान पाता, और मुझे केवल वही जान सकता है जिसको मैं स्वयं सफूर्तियादा, जिसको मैं स्वयं प्रकट होकर उसको अपने बारे में यानी भगवान बताते हैं, अभी 10.10 में बताएंगे, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, मैं उसको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे समझ सकते हैं। जब तक वो मेरी शरण में नहीं आता, मेरा स्मरण नहीं करता, मेरे पवित्र नाम का जप नहीं करता, तब तक तो मुझे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जब वो मेरी शरण में आ जाता है, तेषां सतत युक्ता कंटिन्यूस प्रेम से मेरा भजन करता है, फिर मैं उसको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरी मुझे समझ सकता है। यानी इस भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता, बल्कि भगवान क्योंकि दिव्य है, आध्यात्मिक है, इसलिए भगवान को समझने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि जो कि हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, कंटिन्यूस भगवान के स्मरण करने से, भगवान के पवित्र नाम का जप करो, भगवान की पवित्र लीलाओं का, कथाओं का, भगवान के पवित्र शब्दों का श्रवण करो, कीर्तन करो, तो इससे भगवान हमें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।